Hello everyone, today we are going to solve exercise 3.4. okay, so let's start. So number one is elementary operations or transformation of a matrix. ठीक है, matrix के ऊपर क्या क्या operation अपन apply कर सकते हैं, क्या क्या transformation कर सकते हैं. ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं अपन क्या क्या कर सकते हैं, फिर इनका use क्या होगा वो भी अपन बाद में बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देर आर सिक्स ऑपरेशन, सिक्स ऑपरेशन अपन लगा सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स पे, थ्री ऑफ विच आर ड्यू टू रोज, थ्री तो रोज पे और थ्री कॉलम्स. ठीक है, इनको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, अच्छा तो नंबर वन क्या है वो देखो ध्यान से. नंबर वन में क्या बोला है, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स. ठीक है, कोई भी टू रो को अपन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है, ये है अपनी फर्स्ट वाली ऑपरेशन. ठीक है, है ना, जिसको ऐसे करके डिनोट करते हैं, कोई भी आई वाली रे है और जे वाली, आई वाली रो है और जे वाली रो, तो उसको अगर अपने को इंटरचेंज करना है तो अपन लिखेंगे आर आई, इंटरचेंज का ये साइन होता है, इंटरचेंज विद आर जे. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल में बोला गया है कि आर वन को आर टू से इंटरचेंज करना. ठीक है, तो ए ए अपना मैट्रिक्स ये है और इसमें आर वन को आर टू से इंटरचेंज का मतलब आर वन है वन टू वन, वो अपना आर टू बन गया, सेकेंड रो बन जाएगी और जो अपनी आर टू है वो अपनी आर वन हो जाएगी, तो अपना आर वन और आर टू क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया. तो ऐसे अपन कर सकते हैं. ठीक है, चलो फिर सेकेंड पे चलते हैं. तो सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड में बोला है, सेकेंड ऑपरेशन है अपनी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स, सॉरी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर. ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आर आई में किसी रो में अपने को मल्टीप्लाई करना है के से, तो लिखेंगे आर वन चेंजेस इंटू आर आई चेंजेस इंटू के इंटू आर आई. ठीक है, जैसे अपना ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये कॉलम ऑपरेशन बता रखी है, लेकिन मान लो मैं रो ऑपरेशन बताना चाहूँ और मैं बोलूँ कि आर वन चेंजेस टू टू आर टू टू आर वन. ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि आर वन को अपन टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई करके लिख दो बस, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, माइनस वन, रूट थ्री एंड वन. ठीक है, तो ऐसे अपन किसी रो के एलिमेंट को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा फिर चलते हैं अपन थर्ड वाले पे. थर्ड वाले में क्या बोला गया है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो नंबर. क्या बोला है कि किसी रो में अपन किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मान लो मैं बोलना चाहूं कि R1 इंटरचेंजेस टू R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2, तो इसका मतलब क्या है कि R1 में R1 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें अपन सेकेंड रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं. ठीक है, यहां अपन सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. तो थ्री ऑपरेशन अपन ने देखी रो वाली, और ये सेम ऐसे ही कॉलम वाली भी होती है, तो सिक्स ऑपरेशन होती है टोटल. लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रोज वाली जो ऑपरेशन है उन पे उनको तो अच्छे से कर लो. ठीक है, क्योंकि जो अपन करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन रो से करेंगे. ठीक है, तो कैसे करेंगे, रो ऑपरेशन से करेंगे, तो इसलिए रो पे मैंने ज्यादा फोकस किया है. ठीक है, वैसे सेम होगी कॉलम ऑपरेशन भी, तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. तो क्या क्या बोला है, फर्स्ट में तो बोला है इसने कि किसी भी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड वाला क्या बोला है कि किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से. ठीक है, फिर थर्ड वाला क्या बोला है कि किसी भी रो में ठीक है, किसी रो में, जैसे मैं आर टू की बात कर रहा हूं, सेकेंड रो में, ठीक है, आर टू में किसी रो में किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये थ्री ऑपरेशन थी, बस तुमको समझ में आ जानी चाहिए कि अपन करेंगे कैसे. ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपन आगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पे. तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम का, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनोदर स्क्वायर मैट्रिक्स
बी ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसी ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, और वो दोनों मैट्रिक्स ऐसे हैं कि ए को बी से मल्टीप्लाई करे या बी को ए से मल्टीप्लाई करे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा हो क्या, ए बी, ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा हो, तो ऐसे केस में बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये जो अपना बी है इसको अपन बोल देते हैं कि ये क्या है, ए का इनवर्स है। सिमिलरली अपन ए को बोल सकते हैं बी का इनवर्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे ए है और ये बी है, और ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे कि बी है वो ए का इनवर्स है, ठीक है। ऐसे ही बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि बी अपना क्या है, ए का इनवर्स है। फिर अपन चलते हैं थ्योरम, थ्योरम है थ्योरम थ्री, ठीक है। क्या है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो इनवर्स होते हैं वो वन ही होता है, वन से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। चलो, तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा, कि ए अपना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम का, और इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी, अपन ने क्या किया, अपने को प्रूफ क्या करना था कि जो इसका इनवर्स है किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है, ये अपने को प्रूफ करना था। तो अपन इसका उल्टा लेके चलते हैं, कौन से मेथड से करते हैं, कॉन्ट्रेरी मेथड से, कंट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो भी अपने को प्रूफ करना होता है उसका अपन उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है। तो अपने को प्रूफ करना है कि इनवर्स होता है वो वन ही होता है, लेकिन अपन दो इनवर्स मानेंगे, इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेज ऑफ ए, ए के दो इनवर्स मान लिया अपन ने बी और एक मान लिया सी, ठीक है। फिर अपने को अगर ये प्रूफ कर सके कि बी और सी दोनों एक ही है, दोनों इक्वली है, तो अपन बोल देंगे कि हाँ भाई इनवर्स क्या होते हैं, यूनिक होता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले b है वो तुम्हारा इनवर्स है a का, तो अपन ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं, अभी अपन ने देखा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में, ठीक है। और c अगर तुम्हारा इनवर्स है तो अपन ए सी इंटू सी ए इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन अपनी बन चुकी है, बिल्कुल इजी है ये दो इक्वेशन बनाना, तो ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, b और c दोनों इक्वल है, जो अपन ने अलग अलग इनवर्स माने हैं b और c वो एक्चुअल में दोनों एक ही है, तो अपन बोल सकते हैं कि इनवर्स भाई क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो अपन b लेके चलते हैं, b को लिखते हैं b इंटू आई, और जो ये i की वैल्यू है ये अपन लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड से, i को लिख देते हैं a ए सी, ठीक है, i को लिख दिया अपन ने a इंटू सी। ये c इंटू a क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये रखने से अपना कोई आगे मतलब नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा वो चलो देख लेते हैं। तो b इंटू अपन ने लिखा ए सी आई की जगह जैसे ही ए सी लिखा तो ये अपना b इंटू ए लिख सकते हैं और c अलग कर सकते हैं, ठीक है। और b इंटू ए की वैल्यू अपने पास इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ गई, i, ठीक है। तो b इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई अपनी, i, तो ये i इंटू सी हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू c। तो अपना b मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई जो अपन ने अलग अलग इनवर्स माने थे वो एक्चुअल में अलग अलग नहीं है, वो एक ही इनवर्स है, और एक ही इनवर्स है तो अपन बोल देंगे कि इनवर्स होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। एक बार शॉर्ट में अगर देखना चाहो तो दोबारा से देख सकते हैं, मैं पहले इसको थोड़ा सा सुंदर सा बना देता हूं, ठीक है, ओके। चलो, तो सबसे पहले अपने को प्रूफ करना है कि इनवर्स यूनिक होता है, तो अपन दो इनवर्स लेके चलेंगे, एक बी और सी। बी इनवर्स है ए का तो अपन लिखेंगे ए बी इंटू बी ए इजल टू आई, और अगर सी इनवर्स है ए का तो ए सी इंटू सी ए इजल टू आई, ए सी और सी ए दोनों क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब अपने को प्रूफ क्या करना है, बी और सी अगर इक्वल आ गए तो बोलेंगे यूनिक होता है इनवर्स, और इक्वल नहीं आए तो बोलेंगे यूनिक नहीं होता है। तो पहले बी लेके चले, बी को मल्टीप्लाई किया अपन ने आई से, बी आई कर सकते हैं क्योंकि b को i से मल्टीप्लाई करोगे तो b तो रहेगा, है ना, तो ठीक है। फिर ये जो i की वैल्यू है, यहाँ से इक्वेशन सेकंड से अपन ने ए सी लिखी, ए सी लिख के अपन ने लिखा c को अलग कर दिया, ba इंटू सी, ba की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से अपन ने लिखी i,
तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू सी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आता है, ठीक है, ये अपन ने काफी बार पढ़ चुका है, ठीक है, पढ़ चुके हैं। अच्छा यहाँ पे अपन ने ए सी की जगह सी ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर तुम सी ए लोगे तो बी इंटू सी ए बनेगा और फिर ये बनेगा बी सी और इंटू ए, तो ये बी सी की वैल्यू तो अपने पास होगी नहीं, ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे ए सी लिया, ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है। चलो फिर चलते हैं थ्योरम फोर पे। ये थ्योरम फोर है, क्या है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए और बी क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उनका इनवर्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये अपने को फाइंड करना है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ध्यान से, अपने को लाना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ए बी इनवर्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो अपने को पता है किसी भी मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस इसी सिस्टम का यूज करेंगे अपन। तो यहाँ पे अपना है ए बी और ए बी को ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आई है, वन नहीं है, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, अब देखो वो मैट्रिक्स में दो तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे अपनी इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस टू ए इज इक्वल टू आई है, तो एक होता है प्री मल्टीप्लाई, तो प्री मल्टीप्लाई में क्या होता है सभी टर्म के पहले मल्टीप्लाई होगा, और पोस्ट मल्टीप्लाई होता है, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब सभी टर्म के लास्ट में जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड को ए इनवर्स से, ठीक है। तो यहाँ देखो अपन ने ये इन दोनों के सामने यहाँ प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले, तो ए इनवर्स यहाँ पहले लिखा और यहाँ आई के पहले ए इनवर्स लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये ए इनवर्स इंटू ए है, उसको एक साथ ले लेंगे, बी अपना अकेला बच जाएगा, ये ए बी इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इनसे मल्टीप्लाई करो तो वो, चलो आराम से कर लेते हैं, हाँ, तो अपना ये ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, आई, तो यहाँ बन जाएगा अपना आई बी, इस साइड में अपना ए इनवर्स इंटू आई, आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो सेम ही आता है, तो ये अपना ए इनवर्स ही आएगा, ठीक है। अच्छा फिर ये आई जो है अपना बी से मल्टीप्लाई होके बी ही बचेगा, तो ये अपना बन चुका है अब बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब अपने को क्या बी इनवर्स से मल्टीप्लाई और करना है ताकि ये बी हट जाएगा अपना, तो बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा से, तो यहाँ पहले बी इनवर्स लिखेंगे, ये ए इनवर्स से पहले बी इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा दोबारा से आई बनेगा और आई को ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इनवर्स ही बनेगा, तो अपना आ चुका है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये है अपनी थ्योरम, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे किया है, ठीक है। चलो शॉर्ट में बताता हूँ, देखो ए बी और ए बी के इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ही आएगा। अब अपने को वैल्यू निकालनी है ए बी इनवर्स की, तो अपन क्या करें ए को और बी को अपन एलिमिनेट करेंगे हटाएंगे, तो कैसे करेंगे, इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, पहले ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है। तो ये ए इनवर्स इंटू ए बनेगा आई, और इधर तो ये अपना ए इनवर्स बन जाएगा, आई को बी से मल्टीप्लाई करोगे बी आएगा। तो अब ये बी को और हटाना है, तो बी को हटाने के लिए अपन बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे प्री मल्टीप्लाई, तो ये तो अपना आई बन जाएगा, और आई ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा था ए बी इनवर्स ही आएगा, और इस साइड बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आएगा, ठीक है। तो ए बी इनवर्स होता है अपना बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलो फिर आगे बात करते हैं मैट्रिक्स का अब इनवर्स निकालेंगे कैसे, अब मेन टॉपिक है अपना ये, तो चलो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है, तो शॉर्ट में बताएंगे, तो चलो देखते हैं, तो शॉर्ट में बताता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर अपने को रो ऑपरेशन से अपने को निकालना है इनवर्स, तो अपन लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। रो ऑपरेशन के लिए क्या लिखेंगे अपन, ए इज इक्वल टू आई ए, और कॉलम ऑपरेशन के लिए क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई, बस इतना तुम समझ जानो, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे रो ऑपरेशन लगाने के लिए, कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए अपन लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई, ठीक है। चलो तो अब रो ऑपरेशन अगर अपन अप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से क्या क्या होना चाहिए, अपना अपना गोल होना चाहिए, रो ऑपरेशन लगाएंगे अपन, जो अपन ने थ्री रो ऑपरेशन पढ़ी थी, इंटरचेंज कर सकते हैं रो को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी रो में दूसरी रो के एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑपरेशन अपन लगाएंगे इस ए पे और इस आई पे, इन दोनों पे लगाएंगे। तो ए पे तब तक रो ऑपरेशन लगाएंगे अपन जब तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, क्या ना बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
ठीक है। और जब ये आई जो ऑपरेशन ए पे लगेगी वही ऑपरेशन आई पे भी लगेगी, तो ये आई अपना एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, लेट से उसको बी बोल देते हैं, ठीक है। और ये तो अपन ने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में पढ़ा ही हुआ है कि कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन बी है वो अपना ए इनवर्स आ जाए, जो यहाँ पे अपना बी बनेगा वही अपना क्या होगा ए इनवर्स होगा। कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो भाई यहाँ ए पे लगाएंगे और आई पे, ठीक है। तो ये ए को अपन कॉलम ऑपरेशन लगाते लगाते आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, तो ये जो अपना आई है वो अपना किसी नए मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा बी में। तो ये वही सेम चीज है इन्वर्टिबल में पढ़ा है अपन ने, ए इंटू बी इजल टू आई आ रहा है, तो इसका मतलब बी है वो तुम्हारा ए का इनवर्स है और वो ही आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अभी तक जो भी करवाया है वो थ्योरेटिकल है, अब चलो प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल मीन्स क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा अपने समझ में आने लगेगा। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। क्वेश्चन नंबर वन अपना गिवन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइजेज 1 to 17। अपने को इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन में अपने को ए गिवन है 1 - 1 - 2 - 3, ये अपना ए गिवन है। तो अपन रो ऑपरेशन लगाएंगे तो फिर क्या लिखेंगे, फोर एलिमेंट्री, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के लिए क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू है अपनी 1 - 1 - 2 - 3 विच इज इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 - 0 - 0 - 1 इनटू, और जो ये ए है इसकी वैल्यू नहीं रखनी अपने को, ठीक है, ये अपना सेम ए छोड़ देना। अब अपन क्या करेंगे, अब ऑपरेशन लगानी अपने को, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करने जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को, तो मैं वो उन्हीं की बात करूंगा, ठीक है। तो रो ऑपरेशन लगाते लगाते ये जो अपना ए दिख रहा है, ये वाला ए, ठीक है, तो इसमें अपन रो ऑपरेशन लगाते लगाते इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फोकस करेंगे 0 बनाने पे, ठीक है, क्योंकि अगर 0 बन गए तो 1 तो अपन डिवाइड करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे जो अपना 2 दिख रहा है यहाँ पे मैं 0 बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, थर्ड वाली जो ऑपरेशन थी वो क्या थी अपनी, कि किसी रो के एलिमेंट में किसी दूसरी रो के एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आर टू में चेंज कर रहा हूँ, आर टू चेंजेज टू आर टू माइनस 2R1, जिससे कि अपना यहाँ पे 0 बन जाए। तो मैं R2 में चेंज कर रहा हूँ तो मैं R1 पूरी की पूरी सेम लिख देता हूँ, ठीक है। तो अपनी R1 जो ऊपर फर्स्ट रो थी दोनों मैट्रिक्स की मैं सेम लिख दिया, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, तो अब फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन R2 - 2R1, ठीक है। तो सिंपल सी बस वैल्यू रखो, R2 की वैल्यू एक बार 2, R1 की 1, तो रखो 2 - 2 × 1, ठीक है। फिर R2 की वैल्यू 3, R1 की -1, तो 3 - 2 × -1, फिर R2 की वैल्यू 0, R1 की वैल्यू 1, तो R2 की वैल्यू 0 - 2 × 1, और फिर R2 की वैल्यू 1 और R1 की 0, R2 की वैल्यू 1 - 2 × 0, ठीक है। तो सोल्व कर देंगे तो अपनी ये R2 अपनी आ जाएगी, तो ये बनेगा अपना 2 - 2 विच इज 0, ये बनेगा 3 + 2 विच इज 5, और ये बनेगा अपना -2, और ये बनेगा अपना 1, ठीक है। तो क्या आ गया अपना 0, 5, -2, 1, ठीक है। अब इतना काम अपना हो चुका है, देखो अब सेकेंड रो में अपना 0 आ चुका है, 1 बनाना बाकी है। तो 1 कैसे बनाएंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। R2 को अपन किससे डिवाइड कर देते हैं, 5 से, तो R2 चेंजेस टू R2 / 5, ठीक है, R2 / 5, या इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन R2 / 5 को कि R2 × 1/5। तो ये सेकेंड वाली ऑपरेशन लग रही है अपनी कि किसी भी रो को अपन किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई बाई 1/5 है, या फिर इसको दूसरे टर्म में बोले तो अपन बोल सकते हैं 5 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो चलो करते हैं, तो जो अपनी R1 है वो अपनी सेम है, 1 - 1 विच इज इक्वल टू ये 1, 0 और 1, अपनी R1 अपन ने सेम लिख दी। तो R2 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 0 को 5 से डिवाइड किया तो 0, ये 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1,
माइनस टू को फाइव से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का टू अपॉन फाइव, वन को फाइव से डिवाइड करेंगे तो अपना आएगा वन अपॉन फाइव। ठीक है, तो अपना इतना काम हो चुका है, बस अपने को अब यहाँ पे जीरो और बनाना है। तो अपने को पता है यहाँ पे जीरो कैसे बनेगा, जब मैं आर वन और आर टू को एड कर दूंगा तो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ आर वन चेंजेज टू, अब आर वन में चेंज कर रहे हैं तो आर वन चेंजेज टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, बस अब प्लस कर दो आर वन और आर टू को, और आर वन में लिखना है उसका एड। ठीक है, तो आर टू में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो अपन आर टू सेम लिखते हैं, जीरो वन विच इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव ए। ठीक है, तो चलो अब अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं आर वन प्लस आर टू। तो आर वन आर टू की वैल्यू ये वन प्लस जीरो, फिर माइनस वन प्लस वन, इधर बात करते हैं तो वन और माइनस का टू अपॉन फाइव, और ये जीरो प्लस वन अपॉन फाइव। चलो सोल्व कर लो, तो क्या आएगा यहाँ वन, यहाँ क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ क्या आएगा फाइव, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा फाइव माइनस टू विच इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव, और ये क्या बनेगा अपना वन अपॉन फाइव। तो सारी वैल्यू रख देते हैं, तो ये आया अपना वन जीरो और थ्री अपॉन फाइव, और ये है अपना वन अपॉन फाइव। ठीक है, अब देखो अपना बन चुका है, ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, ए को अपन ने ऑपरेशन लगाते लगाते आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, ये वाला नया मैट्रिक्स बन चुका है जो अपना आई था और इनटू में ए है। तो आई इज इक्वल टू बी ए, इसका मतलब क्या होता है, बी है वो ए का इनवर्स है, और बी की वैल्यू क्या है वही अपना ए इनवर्स हो गया, थ्री अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव माइनस टू अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव। ठीक है, तुमको ऑपरेशन रटनी नहीं है कि पहले ये लगेगी पहले ये लगेगी, अपने दिमाग में सोच के जो तुम्हें सूटेबल लगे जिस हिसाब से तुम कर सकते हो वैसे ही करनी है, लेकिन ऑपरेशन सही लगानी है। नंबर टू, कैलकुलेशन में मिस्टेक अपने को नहीं करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, एक छोटी सी मिस्टेक मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। तो क्वेश्चन नंबर टू सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू क्या है वो मैं देख लेता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे पहले मैं बात कर लेता हूं, थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। ठीक है, या फिर मैं इसको रब कर सकता हूं, है ना, रब ही कर देता हूं इसको। एक काम करते हैं, ये लो, और ये क्वेश्चन नंबर वन मैं आपका हटा देता हूं। ठीक है, ताकि मैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर वन भी सोल्व कर सकूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू अपना ये रहा, क्वेश्चन नंबर टू में अपना गिवन है, पेन लेना चाहिए मेरे को, ये अपना ए गिवन है क्वेश्चन नंबर टू में, टू वन वन वन। ठीक है, अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं ए की, टू वन 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 विच इज इक्वल टू आई की वैल्यू वन जीरो जीरो वन इंटू। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो अपना यहाँ पे वन होना चाहिए टू की जगह, ये टू की जगह वन होना चाहिए, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ वन। ठीक है, तो यहाँ देखो अब सबसे पहले जीरो बनाना कहाँ इजी, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं जीरो इजीली बना सकता हूँ। कैसे, आर वन में से मैं ये आर टू को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ आर वन चेंजेज टू आर वन माइनस आर टू। तो चलो लिख लेते हैं, फिर आर वन में चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है भाई, अपना जो आर टू है वो चेंज नहीं होगा, आर टू अपना सेम का सेम रहेगा, वन वन जीरो वन, जो पहले था वही लिख दिया है। ठीक है, अच्छा फिर अपन करते हैं आर टू माइनस आर सॉरी आर वन माइनस आर टू, ये अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं आर वन माइनस आर टू, तो आप एक एक करके भी लगा सकते हो या सारे एक साथ भी कर सकते हो। तो ये बनेगा अपना टू माइनस वन, ये दूसरा बनेगा वन माइनस वन, ये यहां बनेगा वन माइनस जीरो, और यहां बनेगा जीरो माइनस वन। ठीक है, तो चलो यहां बना वन जीरो वन माइनस वन, तो मैं लिख देता हूं वन जीरो और वन माइनस वन। ठीक है, तो टू माइनस वन वन आ गया, वन माइनस वन जीरो आ गया,
वन माइनस जीरो वन आ गया और जीरो माइनस वन आ गया। ठीक है, अब अपनी क्या चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे जीरो और चाहिए, तो यहाँ पे देखो ध्यान से आराम से आर टू में चेंज करना है अपने को। आर टू में क्या चेंज कर सकते हैं कि आर टू में से अपन आर वन को माइनस कर सकते हैं तो अपना जीरो बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलो अब बनाते हैं फिर। तो अपना यहाँ पे आर वन अपना सेम है, R1 सेम है तो इसका मतलब मैं सेम लिख देता हूँ 101 माइनस वन। ठीक है, अब R2 माइनस R1 करो तो 1 माइनस वन ये 0 बन गया, ये 1 माइनस 0 ये अपना 1 बन जाएगा, 0 माइनस 1 तो माइनस का 1 और 1 माइनस माइनस 1 तो ये बनेगा अपना 2। ठीक है, तो ये अपना आ चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो इसका मतलब जो B है अपना A इनवर्स है और उसकी वैल्यू है अपनी 1 माइनस 1 माइनस 1। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलो फिर करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं इसको हटा देता हूं जो भी मेरे को दिख रहा है। तो ये हटाया ये डिलीट किया और ये खलास किया। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, इसको ए मान लेता हूं मैं, तो वही मैं बात करता हूं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की। तो लिखेंगे अपन ए इज इक्वल टू आई ए, तो ए की वैल्यू रख दो क्या है 1327 विच इज इक्वल टू आई 1001 इंटू ए। ठीक है, अब अपने को जीरो कहाँ कहाँ बनाना है देखो ध्यान से, तो जीरो पहले बना यहाँ बनाना है और एक बनाना है यहाँ पे। तो कौन सा पहले इजीली बन सकता है, ये वाला देखो R2 में से अगर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो अपना बन जाएगा जीरो, ये अपना 2 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 2 ही बन जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर अपन बात करते हैं, तो यहाँ है अपना 1 2। तो R2 में मैं चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूं R2 में से 2R1 को माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में चलूंगा, कैलकुलेशन आपको मैं समझा ही दी है कैसे करनी है तो वैसे ही करनी है। ठीक है, R1 अपना सेम लिख दो 1 3, तो मैंने यहां R2 भी सेम लिख दिया क्या, ठीक है R1 अपना सेम लिख दो क्योंकि R1 में थोड़ी चेंज कर रहे हैं अपन, R2 में चेंज कर रहे हैं, तो R2 में चेंज कर रहे हैं तो R2 में जो चेंज आएगा वो चेंज करके लिख देंगे। तो R2 में से अपने को 2R1 माइनस करना है, तो यहाँ R2 है अपना 2 माइनस 2 इंटू R1 है अपना 1, तो ये बन जाएगा अपना 0। ठीक है, यहाँ R2 है अपना 7 माइनस 2 इंटू 3, तो ये बनेगा अपना 1। ठीक है, फिर यहाँ R2 है अपना 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 है अपना 1, तो ये बनेगा अपना माइनस 2। ठीक है, फिर R2 अपना 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 है 0, तो ये बन गया अपना 1 ही बचेगा। ठीक है, अब अपने को बस यहाँ 3 की जगह 0 और बनाना है, तो अपने को पता है 3 की जगह 0 कैसे बनाएंगे, R1 में चेंज कर देते हैं, R1 में से R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा अपना यहाँ पे 0। ठीक है, चलो तो R2 में कोई चेंज नहीं कर रहे तो R2 में सेम लिख देता हूं। ठीक है, तो R1 में चेंज कर रहे हैं, तो R1 में चेंज क्या कर रहे हैं अपने को पता है R1 माइनस 3R2, तो R1 लिखा मैंने ये माइनस 3 इंटू R2 है अपना 0, तो ये तो अपना 1 ही रहने वाला है। ठीक है, फिर R1 लिखा मैंने 3 माइनस 3R2, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 1, तो 3 माइनस 3 हो गया 0 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर R1 माइनस 3 इंटू, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, R1 लिखना है ना अपने को, तो R1 है अपना 1 माइनस 3 इंटू R2 है अपना माइनस 2, तो ये क्या बनेगा माइनस 6, ये प्लस का 6 बनेगा मल्टीप्लाई होके प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपना 7। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं R1, R1 है अपना 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 अपना 1, तो 0 माइनस 3 तो ये बन जाएगा माइनस 3, तो ये अपना आ चुका है I इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जो अपना B आया है वो A का इनवर्स है विच इज 7 माइनस 3 माइनस 2 1।
ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर कैसे सोल्व करेंगे वो बता देता हूँ। ये अपना ए गिवन है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे अपन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो लिखते हैं अपन ए इज इक्वल टू आई ए, ए की वैल्यू रख दो क्या है 2, 3, 5, 7, विच इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1001 इंटू ए, ठीक है। चलो अब अपने को ऑपरेशन लगानी है इस ए पे ताकि अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाइए, और इस पे भी वही ऑपरेशन लगेगी जो अपन वहां लगाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जीरो बनाना है और यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे जीरो कब बनेगा, जब मैं फाइव में से मतलब आर टू में से माइनस करता हूँ क्या 5/2 R1, ठीक है। तो करके देखो एक बार, तो मैंने आर टू लिखा 5 - 5/2 × R1 की वैल्यू है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 - 5 होके 0 हो जाएगा। लेकिन ये तरीका होगा थोड़ा सा क्या इसमें क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, क्योंकि ये जो अपना 5/2 से अपन मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जो अपने यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे नए वाले वो अपॉन में आएंगे सारे, ठीक है। तो उसको उस सिचुएशन से बचने के लिए मैं सबसे पहला काम करता हूँ आर टू चेंजेज टू आर टू माइनस 3 R1, ठीक है, ताकि क्या यहाँ पे और यहाँ पे अपना 1 1 बन जाए, ठीक है। तो देखते हैं फिर आर टू में चेंज कर रहे हैं तो आर वन में सेम लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या काम करना है अपने को, आर टू में से 3 R1 माइनस करना है, आर टू अपना 5 - 3 × R1 = 2, तो ये बचेगा अपना माइनस का 1, आर टू अपना 7 - 3 × R1 की वैल्यू है यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन 2 R1 की जगह 2 R1 कर देते हैं माइनस, ठीक है, माइनस क्या करते हैं 2 R1, तो अपना और भी इजी हो जाएगा, है ना। तो ये जो लगा रहा हूँ मैं ऑपरेशन वो मैं लिख देता हूँ R2 - 2 R1, ठीक है, R2 - 2 R1। अब लगाते हैं आराम से, देखो ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं अपन R2 - 2 R1, तो R2 R1 की वैल्यू एक बार तो 5 और ये 2, तो 5 - 2 × 2, 5 - 4 आएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। फिर R2 की वैल्यू 7, तो R1 की 3, तो 7 - 2 × 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। फिर बात करते हैं R2 की 0 R1 की 1, तो R2 की जगह लिखा 0 - 2 × 1, तो ये आएगा तुम्हारा -2, और यहाँ पे 1 - 2 × R1 की है यहाँ पे 0, तो अपना आ जाएगा 1, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे तुमको यहाँ पे बस ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे अपन यहाँ पे 0 आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं 0, तो अपने को पता है R1 changes to R1 में से R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बनेगा, 3 - 3 अपना 0 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा तो चलो करते हैं फिर, एक 0 तो बनाए ऊपर, है ना। तो अपन R1 में चेंज कर रहे हैं, R2 मैंने सेम लिख दिया है, ठीक है। तो R1 में चेंज करो, R1 में से तो 2 में से माइनस करना है 3 × 1 = 3, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। फिर 3 में से माइनस करना है ये 3 × 1 = 3, तो ये आ जाएगा 0, तो ये फिर 1 में से माइनस करना है -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 7, और ये 0 में से माइनस करना है 3 से मल्टीप्लाई करो R2 को, 3 × 1 = 3, तो ये आ जाएगा अपना -3, ठीक है। तो अब किसकी जरूरत है अपने को, यहाँ पे 0 की और यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ प्लस का 1 आने की, ठीक है। तो अपन सबसे पहले यहाँ 0 बना लेते हैं, तो कैसे 0 बनेगा, यहाँ पे अपने को सीधा दिख रहा है कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं R2 changes to R2 + R1, दोनों को अपन ऐड कर देख के R2 में लिख देते हैं, ठीक है। तो अपना R1 सेम है, तो R1 मैं सेम लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना तुम जो सेम है वो पहले लिख देना, ठीक है। अब ऐड कर करके लिख दो, 1 + -1 ये 0 हो गया, 1 + 0 = 1 हो गया, -2 + 7 = 5, और ये 1 - 3 - 2,
ठीक है। अब जो R1 में बस अपना ये माइनस का वन आ रहा है प्लस का वन की जगह, तो अपन क्या कर सकते हैं R1 को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो R1 चेंजेस टू माइनस R1, तो R2 तो अपना सेम लिख देता हूं मैं पहले ही, 5 माइनस टू ए, ठीक है। R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का वन आ जाएगा, ये तुम्हारा जीरो तो जीरो ही रहने वाला है, सेवन है माइनस का सेवन आ जाएगा, माइनस थ्री है वो प्लस का थ्री आ जाएगा, तो इसका मतलब ये अपना बन चुका है I इज इक्वल टू बी इन टू ए। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं B है वो ही अपना A का इनवर्स है, B की वैल्यू ये है माइनस सेवन थ्री फाइव माइनस टू, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, कुछ भी करके अपने कोई भी ऑपरेशन कैसे भी लगा के अपने को जो अपना फर्स्ट वाला ये है उसको अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो अपना आई है वो चेंज होके अपना इनवर्स बन जाएगा, बी बन जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं ए इनवर्स, ठीक है। चलो चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए मैं पहले स्पेस बना लेता हूं, ठीक है, तो स्पेस बनाते हैं, ये लो डिलीट। ये भी डिलीट, फिर ये भी डिलीट, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव है वो अपन सोल्व करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में अपना ये ए गिवन है, ठीक है, तो अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं बताइए, ए इज इक्वल टू आई ए, तो ए की वैल्यू रखता हूं मैं टू वन सेवन फोर, विच इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन इन टू ए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जीरो बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना है, तो अभी तो पॉसिबल दिख नहीं रहा है, ठीक है, मतलब इजी वे में नहीं दिख रहा है पॉसिबल। तो अपन क्या करते हैं, ये वही अपना जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस थ्री आर वन, जिससे अपना यहाँ वन वन बन जाएगा, ठीक है। चलो तो बना लो वन वन, ठीक है, तो आर वन अपना है वो अपना सेम लिख देते हैं टू वन वन जीरो। अब सुनो ध्यान से, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ठीक है, तो 7 में से 3 टू जा 6 माइनस कर दो 1 आ गया, 4 में से 3 वन जा 3 माइनस कर दो 1 आ जाएगा, फिर 0 में से 3 वन जा 3 माइनस करेंगे 0 माइनस 3 माइनस 3 आएगा, और 1 माइनस 3 इंटू 0 जीरो वो सॉरी 1 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 1 1 माइनस 3 इंटू 0, तो ये बनेगा अपना 1 ही बनेगा, ठीक है। चलो फिर आगे करते हैं, अब बिल्कुल इजी दिख रहा है अपने को, यहाँ पे जीरो बनाना कैसे बना सकते हैं, R1 में से R2 को माइनस कर दो बस, ठीक है, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R1 में से R2 को अपन माइनस कर देते हैं, तो अपना जीरो बिल्कुल इजीली बन सकता है। तो चलो अब माइनस करते हैं, और R2 जो अपना है वो सेम लिखते हैं, क्योंकि अपन चेंज तो R1 में कर रहे हैं, तो R2 अपना है वन वन माइनस थ्री वन, तो माइनस करो, जब 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 बचेगा, और 1 में से माइनस 3 माइनस कैसे करेंगे, 1 माइनस माइनस 3, तो ये पता है अपने को 1 प्लस 3 बनेगा जो कि होगा 4, और 0 में से 1 को माइनस 0 माइनस 1 मतलब माइनस का 1। तो अब अपने क्या चाहिए, बस यहाँ पे 0 और बनाना है, तो बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं, आर टू में से आर वन माइनस कर दो अब, ठीक है, तो आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर वन, तो ये अपना आ जाएगा R1 है अपना सेम लिख देते हैं 4 माइनस 1, ठीक है। अब R2 में से R1 माइनस करके R2 में लिखना है, तो 1 माइनस 1 0, ये 1 माइनस 0 अपना 1 आएगा, माइनस 3 माइनस 4 अपना माइनस का 7 बन जाएगा, और ये 1 माइनस माइनस 1 1 माइनस माइनस 1 क्या होगा 1 प्लस 1 जो कि बनेगा अपना 2। तो ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, ये इधर एक नया मैट्रिक्स बन गया B, तो ये अपना जो B होता है वो होता है A इनवर्स, तो
तो अपना ए इनवर्स आ चुका है 4 माइनस 1, ये -1 -7 2, दिस इज अवर आंसर। ठीक है चलो फिर आगे चलते हैं अपन। तो ये अपना क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ठीक है चलो तो अब इसको हटा देते हैं। ठीक है तो इसको मैं हटाता हूँ और जल्दी से अपन क्या करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये 2x2 के तो वैसे इजी है, प्रॉब्लम आएगी तुमको 1x1 में, सॉरी 3x3 में। ठीक है ना, उनमें तुमको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, 2x2 का तो बिल्कुल इजी है। और जो ये अपन इनवर्स निकाल रहे हैं, अपन फोर्थ चैप्टर में अगर अपन पढ़ेंगे तो दूसरा तरीका है इसको इनवर्स निकालने का। तो एग्जाम में तुम्हारा आता है इनवर्स निकालने के लिए, तो अगर क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके निकालना है तो अपन इनका यूज करने, अदरवाइज अपना ऑल्टरनेटिव है अपने पास कि जो फोर्थ चैप्टर में इनवर्स निकालते हैं अपन डिटरमिनेंट का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके, उस तरीके से अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है चलो तो चलते हैं हम 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो वो ही है अपनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं अपन। तो ठीक है तो a इज इक्वल टू आई ए, तो a की वैल्यू 2 5 1 3 विच इज इक्वल टू आई है अपना 1001 इंटू ए। ठीक है चलो तो भाई अब सुनो ध्यान से, एक तो अपने को यहां जीरो चाहिए, एक यहां पे जीरो चाहिए। ठीक है अब सुनो तो क्या कर सकते हैं, अभी डायरेक्ट तो बन नहीं रहा कि वन में से कुछ माइनस करें, वन माइनस करना पड़ेगा, यहां तो ऑलरेडी टू है। ठीक है तो इसको 1x2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे अपना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा। तो ये अपन क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, चलो इसको थोड़ा सा अपन मजे से करते हैं, थोड़ा सा अलग है। क्या सबसे पहले R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है तो ऊपर आ गया अपना 1 3, नीचे आ गया अपना 2 5, और सेम ऑपरेशन इस साइड में होगी तो ऊपर आ जाएगा 0 1, नीचे आ गया 1 0। ठीक है अब सुनो ध्यान से, अब क्या, अब यहां पे ये जो 2 है इसकी जगह 0 बनाना बिल्कुल इजी है, बना सकते हैं तो बनाओ 0 भाई। तो कैसे बनेगा, इस R2 में से माइनस कर दे R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। ठीक है तो चलो लगा दो ऑपरेशन। ऑपरेशन कहां पे लगा रहे हैं, R2 पे, तो R1 अपना सेम लिख दो 1 3 0 1। ठीक है अच्छा तो चलो अब करो, तो क्या है R2 में से 2R1 माइनस करना है, तो 2 माइनस ये 2 1 2 होगा, 2 माइनस 2 0, फिर ये 5 माइनस 3 2 6, 5 माइनस 6 कितना होगा -1, ये 1 माइनस 2 0 0, तो 1 माइनस 0 क्या होता है 1, और 0 माइनस 2 1 2, 0 माइनस 2 मतलब -2 आ गया। ठीक है अब सुनो ध्यान से, तो एक तो अपने को यहाँ पे 0 बनाना है, वो 0 बना दो पहले। कैसे बना सकते हैं, सीधा दिख रहा है भाई, R1 में अगर मैं ऐड करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को, तो अपना 0 बन जाएगा। तो मैं लिखता हूं R1 प्लस 3 R2। ठीक है ये ऑपरेशन और लगा दो तो अपना ये दूसरा वाला 0 भी बन जाएगा जहां पे अपने को चाहिए था। ठीक है तो लगाओ 1 में से 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, ये तो 1 ही रहने वाला है, पहले R2 सेम लिख देते हैं ना, प्रॉब्लम ना हो जा सकता है जिससे कि। ठीक है तो ये आएगा अपना 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये तो आएगा 1 ही, ये लिख दिया मैंने। तो 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, तो ये बनेगा 3 माइनस 3 जो कि बनेगा 0, तो 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये बना 3, तो 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 मतलब -6 आएगा, तो वो बचेगा अपना -5। तो अब अपने क्या करना है, ओनली R2 में यहाँ माइनस आ रहा है -1 जबकि आना चाहिए प्लस का 1, तो अपन क्या करते हैं R2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है तो R2 चेंजेस टू -R2 कर दो भाई, और अपना है क्या, तो जो अपनी R1 है वो अपन सेम लिख देते हैं क्योंकि R1 में तो अपन चेंज कर नहीं रहे हैं। ठीक है किस में चेंज कर रहे हैं अपन, R2 में चेंज कर रहे हैं, तो जब R2 में चेंज कर रहे हैं तो कर दो ये, सॉरी -5 था। ठीक है अच्छा तो R2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 आया, ये प्लस आया, ये -1 आया, ये 2 आया, तो
तो ये अपना फॉर्मेट आ चुका है आई इज इक्वल टू बी ए, और अपने को पता है बी होता है वो ही ए का इनवर्स होता है, तो ए का इनवर्स आ गया 3 - 5 - 1 - 2। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये 2 by 2 के, तो प्रॉब्लम आएगी तुमको 3 by 3 में। चलो फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो आगे के क्वेश्चन करने के लिए मैं पहले इसको हटा देता हूँ। अच्छा, हटाने की जरूरत नहीं है, 6 तक हो गया अपन, अब आगे करते हैं 7 से। तो ये लो अपना 7th वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ए अपने को गिवन है, वो ही बात करता हूँ मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की। तो अपन बात करेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, तो ए की वैल्यू रख देते हैं क्या है 3 1 5 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 0 0 1 into A। ठीक है, तो अपने को जीरो कहाँ कहाँ बनाना है, यहाँ पे, तो 5 माइनस कुछ करें तो जीरो नहीं बन रहा यहाँ तो, ठीक है, बन तो जाएगा वैसे 5 - 3 मल्टीप्लाई, और इसको करें अपन 5/3 से मल्टीप्लाई, है ना, मतलब क्या ऑपरेशन लगेगी R1 - R2 - 5/3 R1, ये ऑपरेशन। तो ये अपॉन वाली अब ऑपरेशन अपने को लगानी नहीं है जब तक अपने नाक में दम ना हो जाए तब तक, ठीक है, अपन इजी पे चलेंगे, क्यों अपन हार्ड पे जाएं जब अपन इजी तरीके से कर सकते हैं तो, ठीक है। चलो तो फिर देखते हैं, तो देखो यहाँ पे जीरो बनाना पॉसिबल नहीं दिख रहा है अपन डायरेक्ट बिल्कुल इजी तरीके से, यहाँ पे भी जीरो बनाना इजी नहीं दिख रहा, तो अपन पहले इनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो पहले मैं बोलता हूँ R1 interchange with R2, तो ये बना अपनी सेकेंड रो ऊपर आ जाएगी और फर्स्ट रो है वो नीचे आ जाएगी, सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगेगी, तो 0 1 ऊपर आ गया, 1 0 नीचे चला गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब सबसे पहले यहाँ 3 यहाँ तो 0 बनाना अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा काम है, यहाँ 0 बना देते हैं अपन पहले, ठीक है, तो अपने को सीधा दिख रहा है 2 में से ये 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन करते हैं R1 changes to R1 - 2R2, R1 में चेंज कर रहे हैं तो मैं R2 सेम लिख देता हूँ, 3 है 1 है 0 है 1 है, ठीक है, तो चेंज करो तो 5 माइनस कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं ना, तो 5 - 6 मतलब -1, तो यहाँ 2 - 2 आ जाएगा 0, यहाँ 0 - 2 1 2, 0 - 2 मतलब -2, और ये 1 - 0 - 2 मतलब 1 - 0 तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक जीरो और बनाना है अपने को, तो सीधा दिख रहा है 3 में से अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ तो अपना 0 बन जाएगा, तो ये लिखता हूँ मैं R2 changes to R2 + 3R1। ठीक है, चलो तो भाई कर देते हैं अपना काम, अब चेंज कर रहे हैं अपन R2 में, तो R1 अपना सेम लिख दो। ठीक है, तो करो अब चेंज, तो R2 में क्या करना है अपने को, R2 है अपना 3 + इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, तो ये बन गया 0, तो 1 + 3 - 0 ये तो 1 ही रहेगा, 0 + 3 - 2 0 + 3 - 2 तो मतलब ये आएगा अपना -6। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, और ये अपना 1 + 3 कितना आएगा, 1 + 3 अपना आ गया 4। तो बस अपने को R1 में ये माइनस दिख रहा है अपने को, तो R1 को चेंज कर देते हैं R1 changes to -R1, तो अपने क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट आ गया अपना I = BA, यहाँ पे जो b है वो ही अपना a का इनवर्स है, और ये है अपना 2 - 1 - 6 4, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7, 2 - 1 - 6 4 आ रहा है अपना। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं कर दी अपन ने, देख लेते हैं। ठीक है, मैं चेक करता हूँ एक सेकेंड रुको। हाँ, यहाँ पे क्या है, छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है अपनी, क्या मिस्टेक हो चुकी है, देखो ये यहाँ पे 1 0 था और यहाँ पे अपन ने 0 1 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ पे 0 1, तो ये फिर नीचे का मैं दोबारा ही कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से नीचे का मैं दोबारा ही कर देता हूँ। ठीक है,
चलो तो करते हैं फिर, कहाँ थे? हाँ यहाँ पे, अब देखो ये आर वन माइनस टू आर टू है और यहाँ पे अपना 10 या आर टू अपना सेम रहेगा, ठीक है। अब आगे की ऑपरेशन लगाते हैं, तो अपना आगे की ऑपरेशन के लिए यहाँ पे जीरो बनाना है, तो वो तो वही है सेम, आर टू चेंजेज टू आर टू प्लस थ्री आर वन, तो आर टू है वो अपना आर टू में चेंज कर रहे हैं, अब आर वन अपना सेम आ जाएगा, तो आर वन सेम लिख दो, माइनस वन जीरो माइनस टू वन, ठीक है। तो आर टू में चेंज करो, ये है अपना थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन, तो थ्री माइनस थ्री बनेगा, वो बन जाएगा जीरो, तो वन माइनस थ्री ये हो गया अपना वन, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा अपना वन माइनस वन, सॉरी वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू, तो ये क्या आएगा वन माइनस सिक्स, जो कि आएगा अपना माइनस फाइव, ठीक है। और फिर यहाँ पे जीरो प्लस थ्री, तो ये आ गया अपना थ्री, ठीक है। अब अपने को आर वन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, तो जो अपना बी आएगा ए इनवर्स, वो अपना ये आएगा टू माइनस वन माइनस फाइव थ्री, टू माइनस वन माइनस फाइव थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जो अपने वन जीरो था, इसकी जगह अपने जीरो वन लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक पे तुमको फोकस करना है, वो मिस्टेक तुमको नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है, जितना पॉसिबल हो उतना, ठीक है। चलो फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, चलो तो फिर करते हैं सोल्व। इसको मैं हटा देता हूं जितना जल्दी हो सके, ठीक है। फिर करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर एट को सोल्व, तो क्वेश्चन नंबर एट सोल्व करते हैं, चलो चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एट के लिए ये अपना ए गिवन है, ए गिवन है अपना ये, तो अपने वही है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई इन टू ए, और ए की वैल्यू क्या है अपनी फोर फाइव थ्री फोर इज इक्वल टू आई अपना वन जीरो जीरो वन इंटू ए, ठीक है। चलो तो अब भाई सोल्व कर देते हैं फिर, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ऑपरेशन किसी भी तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या करने जा रहा हूँ वो देखो ध्यान से, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे जीरो बनाना है, और अपने को यहाँ पे जीरो बनाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो जीरो बन नहीं रहा है, या तो अपन ऐसे करें कि जैसे थ्री माइनस फोर मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करें थ्री बाई फोर से, तो अपना ही थ्री माइनस थ्री होके जीरो आ जाएगा। तो मतलब ये ऑपरेशन क्या लगानी पड़ेगी अपने को, आर टू माइनस आर वन इंटू थ्री बाई फोर, मतलब आर टू माइनस थ्री बाई फोर आर वन लगानी पड़ेगी, वो तो आई थिंक इतना अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों रो को माइनस कर लेता हूँ आपस में, ठीक है। तो मैं क्या रखता हूँ, क्या आर वन माइनस आर टू, और उसको माइनस करके मैं आर वन में ही लिखना चाहता हूँ, तो आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर टू, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर क्या होता है, तो अपन करते हैं आर टू अपना सेम है, क्योंकि आर टू में थोड़ी चेंज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो आर वन में से आर टू माइनस करो, फोर माइनस थ्री होता है वन, फाइव माइनस फोर होता है वन, ये वन माइनस जीरो होता है वन, और जीरो माइनस वन होता है माइनस वन, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, अब देखो ध्यान से इजीली, यहाँ पे जीरो बनाना बिल्कुल ईजी हो गया ना बिल्कुल ईजी, थ्री में से थ्री को माइनस करते हैं तो जीरो बनता है ना, और वो थ्री किससे बनेगा, जब आर वन को अपन थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आएगा आर टू चेंजेस टू आर वन माइनस, सॉरी आर टू माइनस थ्री आर वन, तो चलो कर दो चेंज, जब चेंज करना ही है तो कर दो, ठीक है। अच्छा तो आर वन में अपन कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, आर वन अपना सेम वन 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 माइनस वन, अब करना है अपने को आर टू में, क्या आर टू में से थ्री आर वन माइनस करना है, तो आर टू अपना है थ्री माइनस ये थ्री वन जा थ्री, तो ये बनेगा जीरो, आर टू अपना फोर
माइनस ये 3 बनेगा जो कि आएगा 1, ये अपना है आर टू 0 माइनस 3 वन जा 3, तो ये बना अपना माइनस 3, ये है अपना 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3 बनेगा, तो ये प्लस 3 हो जाएगा, मतलब अपना आ गया 4। ठीक है, बस अपने को अब क्या करना है, यहाँ पे 0 और बनाना है, तो सीधा दिख रहा है भाई दोनों को माइनस कर देंगे, तो आर वन चेंजेस टू में लिख रहा हूं आर वन माइनस आर टू, तो आर वन में से आर टू को बस तुमको माइनस करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आर टू अब फिलहाल सेम है, तो आर टू मैं सेम लिख देता हूँ पहले। अच्छा अब चेंज करो, तो 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, 1 माइनस माइनस 3 1 प्लस 3 बनेगा जो कि होगा 4, माइनस 1 माइनस 4 जो कि होगा अपना माइनस 5। सो ये जो अपना आया है वो अपना आ चुका है ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 3 4। चलो करते हैं फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं जो ये चीजें लिख रखी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना ये रहा, तो ये अपने को गिवन है, वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अपन लगाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो a इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे। ठीक है, a की वैल्यू रखो, क्या है अपनी 3 10 2 7, 3 10 2 7 विच इज इक्वल टू आई मतलब 1001 इंटू ए। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जीरो बनाना है और यहाँ पे जीरो बनाना है, अभी तो फिलहाल तो सीधा सीधा तो दिख नहीं रहा जीरो बनता। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं अपन आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर टू, आर वन में से मैं आर टू माइनस कर देता हूँ तो यहाँ वन बन जाएगा, फिर यहाँ जीरो बनाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो माइनस करते हैं पहले R2 अपना जो है वो अपना सेम लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो R2 सेम लिखो 2 7 0 1, फिर ये 3 माइनस 2 1 आएगा, 10 माइनस 7 3 आएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा, और ये 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन, अब जीरो बना सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल इजीली बना सकते हैं, कैसे, R2 में चेंज करो, तुम R2 में चेंज कर दो R2 माइनस 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर माइनस, तो R2 R1 अपना सेम है 1 3 1 माइनस 1, क्योंकि चेंज तो अपने को R2 में करना है, तो करो चेंज, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 है ना, ये क्या आएगा 2, तो 2 माइनस 2 हो गया 0, ये आएगा 6 तो 7 माइनस 6 1 हो गया, ये आएगा 2 तो 0 माइनस 2 माइनस 2 आ गया, और ये आएगा -2 तो 1 माइनस माइनस 2 मतलब 1 प्लस 2 होगा जो कि आएगा अपना 3। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे 0 और बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे 0 कैसे बना सकते हैं, सीधा दिख रहा है ना भाई, 3 में से यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो आर वन चेंजेज टू आर वन माइनस 3R2, कर दो भाई अब चेंज, तो अपन R1 में चेंज कर रहे हैं, R2 अपना सेम लिख दो। ठीक है, अब अच्छा चेंज करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है अपने को R2 को, फिर माइनस करना है, तो 1 माइनस 3 इंटू 0 ये तो 1 ही बचेगा, तो 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जब माइनस 6, तो माइनस करो अब 1 माइनस माइनस 6 तो ये 1 प्लस 6 हो जाएगा जो कि होगा 7। फिर अपन यहाँ पे करते हैं माइनस 1 और माइनस करना अपने वो 3 3 जा 9, तो ये आ गया अपना माइनस का 10। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर, आई इज इक्वल टू बी ए आ चुका है, तो बी जो है अपना ए इनवर्स जो कि होगा अपना ये 7 माइनस 10 माइनस 2 3, 7 माइनस 10 माइनस 2 3। चलो फिर करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब थोड़ा सा मैं जल्दी से करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन गया। हाँ, तो एक काम और करते हैं कि इस वीडियो में 2x2 के जो है अपने वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के अपन इसमें नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के लिए लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, ए की वैल्यू रखो 3 माइनस 1 माइनस 4 2 विच इज इक्वल टू 1001 इंटू ए। तो अपने को यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है, अभी तो अपने को सीधा पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं देखो ध्यान से। तो अपन जो कर सकते हैं वो अपन करेंगे, ठीक है, तो चलो करते हैं। तो अपन करते हैं सबसे पहले R1 changes to R1 plus R2, R1 और R2 को ऐड कर देते हैं ताकि अपना 1 बन जाएगा, फिर अपन 0 बनाना इजी है, ठीक है, तो ऐड कर दो। और R2 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, तो ये सेम लिख दिया अपन ने R2, ठीक है। तो R1 में चेंज क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं R1 और R2 को, तो ऐड करो 3 प्लस माइनस 4 मतलब माइनस का 1 आएगा, ये माइनस 1 प्लस 2 मतलब 1 आएगा, ये 1 प्लस 0 मतलब 1 आएगा, 0 प्लस 1 मतलब 1 आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 0 बनाना इजी, कैसे बना सकते हैं यहाँ पे 0, देखो ध्यान से, R2 changes to R2 minus 4 R1, R2 में से R1 को माइनस करेंगे, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, चलो तो करते हैं। तो ये है अपना R2 minus 4 R1, तो एक बार R2 की minus 4, R1 की minus 1, तो minus 4 into 4 into minus 1, सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा माइनस 4 प्लस 4 जो कि बनेगा 0, ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे अपन सब की। मैं डायरेक्ट लिखूंगा आंसर, ठीक है, तो ये अपना माइनस 1 1, R1 में तो कोई चेंज ही नहीं कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं, तो ये माइनस 4 प्लस 4 आएगा अपना 0, फिर अपन 2 माइनस 4 1 जब 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं ना, तो 2 माइनस 4 आएगा जो कि आएगा माइनस 2, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे आएगा 0 माइनस 4 तो माइनस का 4, यहाँ आएगा 1 माइनस 4 तो माइनस 3, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे 1 बना लेते हैं पहले, यहाँ पे 0 बनाना इजी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे पहले अपन 1 बना लेते हैं माइनस 2 से डिवाइड करके, आर टू चेंजेज टू आर टू डिवाइड बाई माइनस 2, ठीक है, तो चलो डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह और बना लेता हूँ, ठीक है, तो R2 को माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, R1 अपना सेम है माइनस 1 1 1 1, तो 0 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, ये अपना 1 आ जाएगा, और ये अपना 4 बाई 3 आ जाएगा, है ना, 4 बाई 3 नहीं 4 बाई 2, 4 बाई 2 मतलब 2 आ जाएगा ये, तो ठीक है, तो 2 ही लिख देता हूँ यहाँ 4 बाई 2 की जगह क्या 2, और माइनस 3 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो अपना आएगा 3 बाई 2, ठीक है। अब अपने को यहाँ 0 बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, R1 changes to R1 minus R2, R1 और R2 को माइनस कर देते हैं तो अपना 0 बन जाएगा, ठीक है, तो पहले तो मैं R2 अपना जो है वो सेम लिख देता हूँ, ठीक है, तो चलो माइनस करो, तो ये माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, और 1 माइनस 3 बाई 2, 2 आएगा LCM, तो 2 माइनस 3 माइनस का 1 बाई 2। अब देखो R1 को अपन क्या करेंगे, R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो अपना यहाँ प्लस का 1 बनेगा, अपने को यहाँ I बनाना है 1001, तो वो तो तभी बनेगा जब अपना R1 से अपन माइनस से R1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो चलो R2 अपना सेम लिख देता हूँ मैं 012, और ये 3 बाई 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का और ये हाफ भी प्लस का, तो अपना ये आ गया है अपना ए इनवर्स, तो अपना आ गया बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 बाई 2 2 3 बाई 2, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, कौन सा, 11th वाला, तो मैं इसको तो रब कर देता हूँ,
चलो आपकी बार में ये ट्राई करता हूँ। हाँ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। करते हैं सोल्व एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, तो अपना है ए इज इक्वल टू आईए, ए इज इक्वल टू आईए 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 और जाइए। तो आई हो गया अपना 1001 इंटू ए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहां जीरो बनाना है, वो तो नहीं दिख रहा अपने को कि वन में से क्या माइनस करे, वन में से आर वन को किससे मल्टीप्लाई करके माइनस करे, तो अपना आएगा हाफ, तो वो तो गड़बड़ है, छोड़ो, है ना। तो यहाँ पे जीरो बना सकते हैं अब अपन यहाँ पे, क्या क्योंकि टू थ्री जै सिक्स होता है ना, तो यहाँ पे पता चल गया अपना आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस थ्री आर टू, आर टू को थ्री से मल्टीप्लाई करके आर वन में से माइनस करना है। तो ये अपना आर टू है वो मैंने सेम लिख दिया, वन माइनस टू जीरो वन। ठीक है, चलो करो माइनस करो, तो टू में से माइनस करना है, थ्री वन जो थ्री, टू माइनस थ्री होगा, तो ये आएगा तुम्हारा माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस सिक्स और ये माइनस सिक्स, और इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स आएगा, लेकिन अपने को माइनस करना है, इस माइनस की वजह से वो प्लस का सिक्स होगा, तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स ये बन गया जीरो, ये वन माइनस थ्री मल्टीप्लाई जीरो जीरो, सॉरी जीरो नहीं वन, कितना बनेगा वन, फिर जीरो माइनस थ्री, तो ये बनेगा माइनस थ्री। ठीक है, अच्छा तो अब अपने को यहाँ पे जीरो और बनाना है, तो बनाओ जीरो, कैसे बना सकते हैं, आर टू चेंजेस टू आर टू प्लस आर वन, दोनों रो को ऐड कर देते हैं, तो अपना बन जाएगा जीरो। तो आर वन में तो अपन कोई चेंज कर ही नहीं रहे, तो ये तो ऐसे के ऐसे आ गया। ठीक है, अब चलो आर टू में चेंज करते हैं, तो ऐड करो दोनों को, जीरो आया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस टू आया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वन आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो R1 में तो क्या दिक्कत है, बस माइनस की दिक्कत है, R2 में माइनस टू की दिक्कत है, माइनस टू से डिवाइड, तो R1 को तो करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई और R2 में करेंगे माइनस टू से डिवाइड, एक साथ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो चलो, तो R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस का वन, ये बन जाएगा माइनस का वन, ये बन जाएगा प्लस का थ्री। आर टू को माइनस टू से डिवाइड करते हैं, जीरो को किया तो जीरो, माइनस टू को माइनस टू से डिवाइड किया तो वन, वन को माइनस टू से डिवाइड किया माइनस वन बाई टू, और माइनस टू को माइनस टू से डिवाइड किया तो वन। तो ये जो अपना आंसर आया, ये अपना है बी, जो कि है अपना ए इनवर्स। ठीक है, माइनस वन थ्री, माइनस का हाफ वन। चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना ट्वेल्थ वाला, तो उससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ मैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं, ये अपना ए गिवन है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू 6 माइनस थ्री माइनस टू वन, विच इज इक्वल टू 1001 इंटू ए। अब थोड़ा सा इसमें देखो ध्यान देने वाली बात, अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ आर टू को, तो ये बनेगा माइनस सिक्स,
प्लस का थ्री, ठीक है, और ऊपर है अपना सिक्स माइनस थ्री। तो इसका मतलब कि अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, आर टू चेंजेज टू आर टू प्लस, सॉरी आर वन में चेंज कर देते हैं, आर टू को छोड़ो, है ना, क्या आर वन चेंजेज टू आर वन प्लस थ्री आर टू, तो देखो क्या बनेगा, आर टू सेम है अपना माइनस टू वन जीरो वन, ठीक है, तो चेंज करो तो ये सिक्स प्लस माइनस सिक्स तो ये बनेगा जीरो, माइनस थ्री प्लस थ्री अपना बनेगा जीरो, ये वन प्लस जीरो बनेगा वन, और ये जीरो प्लस थ्री बनेगा थ्री। देखो तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं या कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम अगर जीरो आ जाता है तो अपन बोलते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिख देना, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बिकम्स जीरो, हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे और क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करेंगे, 15, 16, 17 और 18 ये अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है, 3x3 के, ओके। तो चलो थर्ड ये 13 वाला करते हैं अपन, तो 13 वाला है अपना, इसको ए मान लेते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ए इज इक्वल टू आई ए, ए की वैल्यू है तुम्हारी 2 माइनस 3 माइनस 1 2 विच इज इक्वल टू 1001 इंटू ए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं कौन सी ऑपरेशन, देखो डायरेक्ट जीरो बनाना पॉसिबल नहीं दिख रहा है ना, या ना यहाँ पे और ना यहाँ पे, तो अपन कर लेते हैं पहले आर वन चेंजेस टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है, तो आर टू अपना चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, चेंज आर वन में कर रहे हैं, तो करो चेंज क्या करना है, दोनों को ऐड करके लिखना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा वन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस वन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अपना यहाँ पे जीरो बनाना बिल्कुल इजी है, कैसे, आर टू चेंजेस टू आर टू प्लस आर वन, जो भाई आर टू है उसमें आर वन ऐड कर देंगे, माइनस वन में वन ऐड करेंगे जीरो तो बन ही जाएगा, सिंपल सी बात है, तो आर वन में लिखता हूँ सेम, ठीक है, आर टू में चेंज कर देते हैं, ऐड करके लिख देते हैं, तो ऐड किया तो जीरो, टू प्लस माइनस वन वन, जीरो प्लस वन वन, और ये वन प्लस वन टू, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब अपने क्या करना है, बस एक जगह जीरो और बनाना है यहाँ पे, तो कैसे बनेगा यहाँ पे जीरो, आर वन चेंजेज टू आर वन प्लस आर टू, अब आर वन में आर टू ऐड कर दो, है ना, चलो तो करते हैं, तो आर टू अपना सेम है, अब ऐड करो वन प्लस जीरो वन, माइनस वन प्लस वन जीरो, वन प्लस वन टू, वन प्लस टू थ्री, तो ये आ गया अपना बी, जो कि ये होगा अपना ए इनवर्स, वो है अपना टू थ्री वन टू, एंड दिस इज आवर आंसर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 15, 16, 17 और 18 नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, तो इसको मैं रब कर देता हूँ जल्दी से, जितना जल्दी हो रहा है मैं उतना जल्दी कर रहा हूँ, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के पास, ठीक है, ओके। तो ये है अपना ए, तो अपना होगा ए इज इक्वल टू आई ए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए, तो ए की वैल्यू रखो 2142 इज इक्वल टू 1001 इंटू ए, ठीक है। देखो ध्यान से, ना यहाँ पे जीरो बना रहे हैं ना यहाँ पे जीरो बन रहा है, ठीक, चलो एक काम करो, यहाँ पे इन दोनों रो को इंटरचेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटरचेंज, ठीक है, तो करते हैं इंटरचेंज, आर वन इंटरचेंज विद आर टू, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो देखो ध्यान से, अगर मैं रो को मल्टीप्लाई करता हूँ, कौन सी रो को, फर्स्ट रो को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ टू से, तो ये देखो फोर बनेगा,
और इसको वन और टू से मल्टीप्लाई करूँगा टू बनेगा, मतलब अपनी फर्स्ट रो पूरी जो जीरो हो सकती है, आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस सॉरी आर टू में चेंज करेंगे, ठीक है, आर वन में नहीं किस में चेंज करेंगे आर टू में, तो लिखेंगे आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस टू आर वन, ठीक है, मल्टीप्लाई आर वन को करेंगे चेंज आर टू में करेंगे, तो ये अपना हो सकता है। देखो ध्यान से, ये टू वन अपना मतलब आर वन है वो अपनी सेम है, ठीक है। अब माइनस करो, फोर माइनस टू टू जो फोर, फोर माइनस फोर जीरो, टू माइनस टू बनेगा ये जीरो, जीरो माइनस टू बनेगा ये, तो जीरो माइनस टू कितना होगा माइनस टू, और वन माइनस जीरो बनेगा ये वन। तो अपनी एक रो पूरी जीरो हो गई, तो बोलेंगे अपन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god.